ट्वेल्थ क्लास का अति महत्वपूर्ण टॉपिक विभव मापी पोटेंशियोमीटर, इसको हम करेंगे। ऐसा कर लेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और बहुत ही शानदार और सबसे सरल भाषा में हम इसको करेंगे, यानी विभव मापी को सबसे सरल और इजी भाषा में करने वाले हैं। बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, एक बार देखोगे वीडियो को पूरा देख लेना, यकीन मानिए आपको पूरा याद हो जाएगा, पेपर तक कभी नहीं भूलोगे, ऐसा करा दूंगा। सबसे पहले समझते हैं विभव मापी आखिर होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन समझो, इसका परिचय, आखिर विभव मापी है क्या, इसका परिचय बताओ भाई, है क्या विभव मापी। जैसे कि नाम से पता चल रहा है विभव, यानी कि विभव समझ रहे हो, विभव, विभव मापी नहीं, विभव मापी, ठीक है। इसको पूरा पहले ढंग से लिख लीजिएगा, इसको इसको क्या लिखेंगे हम, विभव मापी, ठीक है। यह है पोटेंशियोमीटर, ठीक है, विभव मापी। अब ये विभव मापी होता क्या है, विभव को मापने वाला यंत्र विभव मापी कहलाता है, और विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल, तो इसीलिए हम बोलते हैं विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी सेल के विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को माप सकते हैं। समझ में आ गई बात, लिख दिया है यही, विभव मापी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल अथवा दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। विभव मापने वाले यंत्र को विभव मापी कहते हैं, या दो बिंदुओं के बीच को विभवांतर अथवा विभव को माप सकते हैं विभव मापी की सहायता से, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, इसकी रचना, ठीक है, इसकी रचना क्या होती है, रचना में इसमें कितने पद हैं, देखिएगा, एक बैटरी होती है, एक कुंजी होती है, धारा निरंतक होता है, और एक इसमें विद्युत वाहक सेल होता है जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, और एक इसमें धारा मापी और एक जॉकी होती है। इसको इस तरह से किस तरह से अरेंजमेंट करते हैं ये यहाँ पर समझ लीजिएगा, ये बैटरी है, बैटरी के धन सिरे को हमने प्रतिरोध, ये प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ दिया है, और इसके इसमें क्या है, इस बैटरी का ऋण सिरे को कुंजी और धारा निरंतर के द्वारा बैटरी के बी सिरे से जोड़ दिया, और एक इसमें सेल है, सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना था, इसका ए सिरे, इसके धन सिरे को ए सिरे से जोड़ दिया, और ऋण सिरे को धारा मापी और जॉकी से जोड़ दिया, जॉकी को कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं। इसको लिख लीजिए, किस तरीके से लिखेंगे, रचना देखिएगा, रचना क्या है, बहुत ही सिंपल है रचना, जो जो मैं बोलूंगा वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पहले समझ लो चीज को। देखिए इसमें क्या चीज बताई थी, इसमें बैटरी होती है, कुंजी होती है, धारा निरंतर होता है, प्रतिरोध तार होता है, जॉकी होती है, और धारा मापी होता है, और एक विद्युत वाहक सेल होता है जिसका जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, यानी कि ये सेल है जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो इनको किस तरह से अरेंज करते हैं देखिएगा, हमने क्या है कि इसमें यानी विभव मापी में एक प्रतिरोध तार ए बी होता है, प्रतिरोध तार ए बी होता है, और ये किस धातु का बना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यदि पूछ ले तो ये प्रतिरोध तार कंस्टेंटन धातु या मैग्नेनिस धातु का बना होता है, कंस्टेंटन धातु या मैग्नेन धातु का बना होता है, ये चीज अलग है, ठीक है। इसको मारो गोली सीधे सीधे, पहले हम पेपर में कैसे लिखने यदि आ जाएगा तो, विभव मापी में एक प्रतिरोध तार ए बी होता है तथा इसमें एक संचायक बैटरी बी वन होती है, इस बैटरी बी वन का यानी इस बैटरी बी वन का धन सिरा प्रतिरोध तार के ए सिरे से जुड़ा होता है, बैटरी का धन सिरा प्रतिरोध तार ए बी के प्रतिरोध तार के ए सिरे से जुड़ा होता है, तथा इस बैटरी का ऋण सिरा कुंजी तथा धारा निरंतक द्वारा प्रतिरोध तार के बी सिरे से जुड़ा होता है। विभव मापी में एक सेल होता है जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, इस सेल के धन सिरे को प्रतिरोध तार के ए सिरे से जोड़ देते हैं, तथा इस सेल के ऋण सिरे को धारा मापी तथा जॉकी से जोड़ देते हैं। जॉकी एक ऐसी कुंजी होती है जिसको प्रतिरोध तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं, ऐसा समझ लो, इस तरीके से कुंदा, गांवों में लाइट चलती है ना, तार होता है बिजली का, उस पर हम इस तरीके से तार डाल के लिया लाइट चुरा लेते हैं, है ना, तो ऐसे ही एक तार है, इसको हम जैसे कि ये लाइन है, इसको हम कहीं पर भी, ऐसे
यहाँ पर टच कर दें, यहाँ पर टच कर दें, हमें इच्छा अनुसार टच कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। तो ये समझ में आ गई, तो ये देखिएगा यही यहाँ पर लिख दिया पूरी की पूरी, इसको मैं मिटा दूँ, जल्दी समझ लो। विभव मापी में एक प्रतिरोध तार ए भी होता है, इसमें सीधा चलता है बैटरी वी वन होती है, इस बैटरी का धन सिरा प्रतिरोध तार के ए सिरे से जुड़ा होता है, ये जुड़ गया ए सिरे से, तथा इस बैटरी का ऋण सिरा कुंजी उदाहरण निरंतर द्वारा प्रतिरोध तार के इस सिरे का ऋण सिरा कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच के द्वारा प्रतिरोध तार के बीसरे से जुड़ा होता है। इसमें एक सेल होता है जिसका हमको विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है, इसका इसका धन सिरा बैटरी के ए सिरे से तथा इसका ऋण सिरा धारा मापी तथा जॉकी के द्वारा जॉकी से जुड़ा होता है, और जिसको जॉकी जिसको यानी जिसको किसके लिए लगाया है, जॉकी को, जॉकी को प्रतिरोध तार पर कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं, ये इसकी संरचना होगी। क्लियर होगी संरचना, आगे बढ़ते हैं, इसके सिद्धांत रचना हो गई इसकी। अब सिद्धांत पर आते हैं, सिद्धांत पे, सिद्धांत वही पुराना है जो अब तक आपने सीखा है, जो आपको पता है, बस उसी चीज को समझ लो। क्या सीखा था, जब किसी तार है, मान लीजिए ये तार है और ये आपका कोई भी तार है, सपोज दैट यहाँ से ए और ये है बी, अब इसमें कोई धारा प्रवाहित हो तो इसमें जो धारा प्रवाहित होगी तो इसमें एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, और ये विभवांतर किस बात पर निर्भर होगा, इसका जो विभव है इस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। ये जो विभवांतर है इस तार की लंबाई पर निर्भर करेगा, जितना ज्यादा बड़ा तार होगा उस तार में उतना ही ज्यादा विभवांतर उत्पन्न होगा, ये सब इसी जानते हो, तो वही चीज है यहाँ पर, कोई अलग चीज नहीं कहा। किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक खंड का मतलब क्या है, जैसे कि ये छोटा छोटा ए ए इस तरीके से मैंने खंडों में डिवाइड कर दिया, ए बी सी डी ई, ये F और ये मान लीजिए यहाँ तक G है, ठीक है। तो जब किसी तार में धारा बहती है तो तार के प्रत्येक खंड, जैसे कि मैं ले लिया, मैं छोटा सा खंड ले लिया AB, तो AB का जो विभवांतर होगा वो इस AB की लंबाई पर निर्भर करेगा, कि ये जितना ज्यादा बड़ा खंड होगा उसका उतना ही ज्यादा विभवांतर होगा। अर्थात जैसे यहां से अगर पूरे तार का विभवांतर निकालेंगे तो पूरे तार का विभवांतर ज्यादा होगा, इस छोटे से खंड का विभवांतर कम होगा, इससे ज्यादा यहां तक का लेंगे, ए से सी तक का विभवांतर लेंगे, यानी कि विभवांतर ए से सी तक का लेंगे तो वो ए से सी तक की लंबाई पर निर्भर करेगा, ए से सी तक की कितनी लंबाई है। तो यही चीज है, किसी तार में जब धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक खंड, यानी कि प्रत्येक खंड का विभवांतर उस खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे कि मैं मान लीजिए ए से डी तक की, ए से डी तक का विभव निकालू, ए से डी तक का विभव निकालू, तो ये ए से डी तक की लंबाई पर निर्भर करेगा, अर्थात इसके अनुक्रमानुपाती होगा, जिसकी जितनी ज्यादा लंबाई होगी वो, ठीक है। और जब भी आप जानते हो कि भैया कि विभवांतर लंबाई पर निर्भर करता है, किसी तार का विभवांतर उस तार की लंबाई पर निर्भर करता है, तो इस चिन्ह को जब हटाते हैं तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, तो के मान लो, या मैं यहाँ पर फाई भी कह सकता हूँ। ये फाई क्या होता है, ये विभव प्रवणता होती है। विभव प्रवणता का मतलब, जब किसी तार में जब हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इस तार के एकांक लंबाई में, यानी एकांक लंबाई में कितना विभव पतन है, अर्थात कितना विभव है, उस विभव का जो मान है एकांक लंबाई में कितना विभव है। सपोज दैट कि इस तार की लंबाई 10 मीटर है, तार की लंबाई 10 मीटर है, और मैं कह रहा हूं कि एक लंबाई में, यानी कि 1 मीटर लंबाई में 5 वोल्ट का विभव है, 1 मीटर की लंबाई में 5 वोल्ट का विभव है, तो इस तार में पूरे तार में कितना विभव होगा। भैया 10 मीटर का तार है, 1 मीटर में 5 वोल्ट का विभव है, तो पूरे तार में कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट का विभव होगा। तो ये कैसे पता चली, कि हमको पता चल गया कि 1 मीटर का जो विभव है वो कितना है, 5 वोल्ट है, तो इस पूरे तार यानी 10 मीटर लंबे तार का विभव कितना हो जाएगा, 50 वोल्ट हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि यदि मैं कह रहा हूं एक मार्कर की कीमत 20 रुपया है, तो 5 मार्कर की कीमत कितनी हो जाएगी, 100 रुपया हो जाएगी, 5 × 20, ठीक है। इसी तरीके से 1 मीटर में विभव 5 वोल्ट है, तो इस पूरे तार में जिसकी लंबाई भी 10 मीटर है, तो 50 वोल्ट विभव हो जाएगा। तो ये जो 1 मीटर तार का जो विभव है, इसी को बोलते हैं विभव प्रवणता, अर्थात 1 मीटर यानी कि तार की प्रति एकांक लंबाई, अर्थात 1 मीटर लंबाई में जितना विभव पतन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्या है, विभव प्रवणता है, ये ही चीज बताएगी कि 1 मीटर लंबे में, यानी कि एकांक लंबाई में कितना विभव है, उसी की मल्टीप्लाई कर देंगे एल में, तो निकल जाएगा इस
ए बी का पूरा, यदि ए बी का विभव निकालना है तो ए बी लंबाई में एकांक यूनिट में कितना विभव है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा क्या निकल जाएगा, इसका विभवांतर निकल जाएगा, अर्थात इस तार का विभव निकल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, समझ में आ गई बात। यही सिद्धांत यूज करके हम इस विभव मापी का सिद्धांत इसी सिद्धांत पर कार्यरत होता है। चलिएगा, तो सिद्धांत आपका समझ में आएगा, सिद्धांत और अच्छे से समझ में आएगा जब मैं आपकी अब इसकी क्रियाविधि कराऊंगा। चलिए, तो अब क्रियाविधि सीखते हैं। ठीक है, क्रियाविधि सीखेंगे और क्रियाविधि में ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम प्यार से समझा देंगे। ठीक है, अब जरा सीखिए। देखिए, अब मैं आपको, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूँ, विभव मापी में ये चीज जो होती है ना, ये विभव मापी है, इस विभव मापी में ये जो ए बी के ऊपर वाला जो सर्किट है, ये वाला इस ऊपर वाला जो सर्किट है, इस पर्पत को बोलते हैं प्राथमिक पर्पत, ये फिक्स होता है। और ये नीचे वाला जो सर्किट है, इसको हम बार 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 यहाँ पर स्पर्श कराई जॉकी को, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये द्वितीयक पर्पत होता है, यानी सेकेंडरी सर्किट। इस ये कैसा होता है, ये आपका चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपसे कोई पूछ ले एग्जामिनर वगैरह तो आप बता सकते हो। चलिए, इसी क्रियाविधि पर आते हैं। देखिए, जब हम पहले संचायक बैटरी से एक धारा प्रवाहित करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस संचायक बैटरी से एक धारा प्रवाहित करेंगे, तो ये जो धारा है B1A, इस तरीके से इसमें हमने एक धारा प्रवाहित करी, इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित हो गई, इस तरीके से इसमें ऐसे ऐसे बैटरी निकलेगी, इस तरीके से धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, बैटरी B1 से हमने इसमें धारा प्रवाहित करी तो वो A से B की ओर धारा प्रवाहित होती है। अब इस बैटरी से इसमें धारा प्रवाहित करी तो हमने क्या बताया था, जब तार में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें क्या हो जाएगा, विभव उत्पन्न हो जाएगा, इस तार में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, जो इसके प्रत्येक खंड की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, चलिएगा, अब इस तार में हमारा धारा प्रवाहित होगी, इसमें विभव उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब इस सेल का क्या काम है भाई, अब होगा क्या, देखिएगा, इस सेल से, इस सेल में भी यहां पर एक धारा मापी लगा हुआ है, इस सेल के इसको, इस तार को, इस तार को इस तरीके से मैंने लिया, ऐसे 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 करते हुए मैं यहां पर इस जॉकी को मैंने इस वाले बिंदु पर स्पर्श कराया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये और इसमें ये धारा मापी यहां पर लगा हुआ है। ठीक है, इस वाले तार को मैंने, ये जी था ना, ये जी, ठीक है, ये आपका क्या है, यही वही धारा मापी है, यानी कि ये आपका जॉकी है और ये आपका धारा मापी ये वाला। ठीक है, जैसे ही मैंने इस जॉकी को इस J1 पोजीशन पर टच कराया, इस जॉकी को, इस जॉकी जे को J1 पोजीशन पर टच कराया, J1, ठीक है, इस जॉकी को ऐसे समझ लो, J1 पोजीशन पर जैसे टच कराया तो धारा मापी का जो संकेतक था, अर्थात धारा मापी में, जैसे समझे, धारा मापी में यहाँ पे होगा 0 विच्छेद, इसमें सुई होगी, सुई है तो यहाँ पर 1 और ये 2, ये आपका 3, ऐसे ही ये 1, ये 2, ये 3, इस तरीके से लगा होता है, ये सुई है यहाँ पर, तो धारा मापी का जो संकेतक है वो शून्य पर ये इधर की ओर सरक गया, ये इस तरीके से धारा मापी का संकेतक ऐसे दिखा रहा है कि ये इस तरीके से जब इस वाले बिंदु पर टच कराया, और हमने, क्योंकि हमने पहले बताया है कि विसर्पी कुंजी होती है जे, और इसको हम कहीं पर भी स्पर्श करा सकते हैं, तो अब इस जे को हमने कहां पर, इस जे को अब की बार मैंने यहां से इस वाले बिंदु पर, यानी कि कौन से बिंदु पर, इस J2 बिंदु पर, इस J2 बिंदु पर मैंने स्पर्श कराया। ठीक है, इस J2 बिंदु पर जैसे ही मैंने ये इसको स्पर्श कराया, इसमें लगा जो धारा मापी था उसकी सुई इस तरीके से हो गई, ये धारा मापी जो लगा हुआ था, जैसे ही मैंने, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या करा कि इस तार जॉकी को, जॉकी यानी कि इस कुंदे को, ऐसे एक तार है प्रतिरोध तार, और ये मेरे पास में ये जॉकी थी, जॉकी मतलब ये आपकी जॉकी है, ठीक है, ये जॉकी, जॉकी को मैंने यहां पर स्पर्श कराया तो धारा मापी की सुई ऐसे होगी, और जॉकी को मैंने यहां पर स्पर्श कराया तो धारा मापी की सुई ऐसे होगी। ठीक है, जो मीटर था उसमें धारा मापी की सुई यहां से इधर की हो सक, मतलब धारा मापी का जो संकेतक था वो ऐसे हो गया, और यहां से J1 पर स्पर्श कराया तो ऐसे हो गया। तो अब मेरे को ये चीज पता चल रही है कि एक बिंदु ऐसा होगा,
कि जहां पर धारा मापी की सुई ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे भाई, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं धारा मापी सुई, इस तरीके से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर थी तो ऐसे थी, जैसे जैसे मैं ऐसे करते जा रहा हूँ ऐसे करते जा रहा हूँ, इस बिंदु पर ऐसे हो जाती है सुई, इस बिंदु पर ऐसे हो जाती है। तो इस बीच में ऐसा बिंदु होगा जहां पर धारा मापी की सुई एकदम एग्जैक्टली कैसी हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, अर्थात ये सुई जीरो पर हो जाएगी, ऐसा भी तो एक बिंदु होगा। तो ऐसे ही मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी, परिश्रम किया, हार्डवर्क किया और इस तरह से टच कर करके एक बिंदु ऐसा प्राप्त कर लिया, ये वाला बिंदु मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया कि भैया यहाँ पर ये J3 बिंदु मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर मैंने जैसे ही इसको टच कराया तो धारा मापी का संकेतक सीधे जीरो पर आ गया। जब धारा मापी का संकेतक जीरो पर आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि धारा मापी में कोई धारा नहीं है, अर्थात ये विक्षेप की शून्य स्थिति, यानी शून्य विक्षेप स्थिति, इसको बोलते हैं J3 को बोलेंगे हम। J3 पोजीशन क्या है, J3 पोजीशन है शून्य विक्षेप स्थिति का मतलब क्या है कि धारा मापी में कोई धारा नहीं बह रही इस समय। तो भाई आपके दिमाग में एक और क्लिक करेगा आप कि ये सेल तो लगा हुआ है, अब सेल लगा हुआ है तो सेल से तो भाई धारा प्रवाहित होनी चाहिए, तो ये धारा मापी धारा का मान क्यों नहीं दे रहा, अर्थात धारा क्यों नहीं बता रहा, ये धारा जीरो क्यों बता रहा है। जीरो इसलिए बता रहा है कि भैया इस सेल का विभव और इस तार के इस बिंदु का विभव यानी A से J3 तक का विभव बराबर हो गया, अर्थात इसका मतलब ये धारा क्यों नहीं बता रहा है। धारा इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि E का जो विभव है अर्थात E का जो विद्युत वाहक, इस सेल का विद्युत वाहक बल जो है, विद्युत वाहक बल अर्थात इसका विभव जो है किसके बराबर हो गया, इसका विभव A से J3 यानी कि इस खंड तार के इस खंड 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 यानी कि तार है, ए भी प्रतिरोध तार, तो इसका एक खंड बन गया AJ3 के विभवांतर के बराबर हो गया, विभवांतर के बराबर हो गया। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल जो है वो इस A से J3 के विभवांतर के बराबर हो गया, अर्थात इस विभव के बराबर हो गया। तभी तो, क्योंकि दो तार में, यानी तार में धारा तभी प्रवाहित हो सकती है जब दो बिंदुओं का यानी कि A से B की ओर यदि हम धारा प्रवाहित करेंगे तभी प्रवाहित होगी जब इन दोनों बिंदुओं का विभव में कुछ अंतर होगा, अर्थात इन दोनों यानी इस बिंदु का विभव 100 वोल्ट है और इस वाले बिंदु का भी विभव 100 वोल्ट है, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी, अर्थात धारा रुक जाएगी, धारा का फ्लो रुक जाएगा। तो यहाँ पर धारा का जो संकेतक है वो जीरो पर दिखाएगा, ठीक है, ऐसे समझे। एक एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको, देखिएगा ये बार बार हिल रहा है, देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, अब हम इसको यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, चलिए सही दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए ऐसे समझो, ये गिलास है, ये गिलास ये है, अब इसमें पानी इतना भरा हुआ है, जब मैं इसको एक पाइप द्वारा जोड़ दूंगा, तो पानी इधर जाने लगेगा, जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर ना हो जाए तब तक इसमें से इधर जाने लगेगा पानी। जैसे मान लीजिए इसमें 100 ml पानी है, इसमें 20 ml पानी है, तो इसमें से इधर जाएगा 40 ml, इसमें भी 60 ml पानी बचेगा, इसमें भी 60 ml पानी बचेगा। जब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, वाटर लेवल बराबर हो जाएगा, ना तो पानी इधर जाएगा ना इधर आएगा, तो वो पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ऐसे ही जब दो चालक हैं और उनको एक तार से जोड़ देंगे, तो जब दोनों का विभव बराबर है तो ना तो इससे इधर धारा जाएगी ना इससे इधर धारा का फ्लो होगा, लेकिन जब हम इसका मान लीजिए 20 वोल्ट है विभव, तो धारा का फ्लो इधर होने लगेगा, अर्थात इधर विभव जाने लगेगा। तो ये चीज रहती है, ठीक है। तो अब इनका दोनों का, इसका मतलब क्या है कि इस यहाँ से यहाँ तक का जो विभवांतर है वो बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो इसका जो विभव हमने ई मान लिया, इस सेल का जो विभव है E, और ये क्या हो जाएगा, लंबाई किसके बराबर हो जाएगा, इसके विभव के बराबर हो जाएगा, और इसका विभव कितना हो जाएगा, इस तार के इस प्रतिरोध तार AB का विभव पतन कितना था, विभव पतन हमने मान लिया फाई है, विभव पतन मतलब एकांक लंबाई का विभव इतना है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें इसकी इसकी कितना हो जाएगा, इसका जो विभव है इस लंबाई AJ3 के यानी कि इस तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। इस चिन्ह को जब हटाएंगे तो अर्थात
या फिर डायरेक्टली लिख दो इसका जो विभव है किसके बराबर हो जाएगा, फाई इंटू एल। एल क्या है, माना कि यहां से यहां तक की लंबाई एल है, कहां तक की लंबाई एल है, ये ए से जे थ्री तक की लंबाई मैंने एल मान ली है, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये फाई क्या है, फाई क्या है, प्रतिरोध तार की प्रवणता है, प्रतिरोध तार ए बी की प्रवणता, प्रवणता विभव प्रवणता। ठीक है, क्या है कि विभव प्रवणता है, या हम इसको बोल देंगे एकांक लंबाई का विभव पतन, एकांक लंबाई का विभव। ठीक है, तो तार AB की एकांक लंबाई का विभव पतन या विभव, ये फाई है। ठीक है, ये है फाई, एकांक लंबाई का विभव पतन है ये। तो एकांक लंबाई और इस तार की लंबाई कितनी एल है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस सेल का विभव निकल जाएगा। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इस सेल का विद्युत वाहक बल किस बात पर निर्भर कर रहा है, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है इस पर। तो यही तो सिद्धांत था कि भैया तार की खंड की लंबाई के अनुपाती करता है, होता है। तो इस तार में धारा बह रही है तो इस तार की खंड की लंबाई कितनी थी, ए से जे थ्री इसकी लंबाई करता है। अभी कभी कभी पूछ लेता है विभव मापी की सुग्राह्यता, सुग्राह्यता, ये सुग्राह्यता क्या होती है भाई, यानी कि इसकी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होती है भाई कि इस सुग्राह्यता की अधिक सुग्राही कब होगा, अर्थात ये अधिक स्टेबल कब होगा, स्टेबिलिटी। तो स्टेबल, अधिक स्टेबल कब होगा, अधिक स्टेबल तब होगा जब इस तार की, यानी कि ये लंबाई तो ज्यादा हो और इसका विभव प्रवणता कम हो। तो विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए प्रतिरोध तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, प्रतिरोध तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए जब कभी भी आप विभव मापी का वो देखोगे ना डायरेक्ट, यानी कि विभव मापी देखोगे तो उसमें ये तार लंबा होता है और इसको इस तरीके से लगाते हैं हम, इस तरीके से, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये बहुत सारे बिंदुओं के बीच में इस तरीके से लिपटा रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ऐसे 10। तो ये यहाँ पर मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है। तो ये जो तार होता है सीधा नहीं लगा होता, इस तरीके से लगा होता है, ऐसे चित्र में भी देख पा रहे होंगे इस तरीके से। इसका मतलब क्या है कि ये तार 1 मीटर की लंबाई है, तो यहाँ से 10 मीटर, ए से बी तक की लंबाई 10 मीटर होगी, इसको इस तरीके से लपेट देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा तार की लंबाई आ सके उसमें। ठीक है, क्योंकि भैया 10 मीटर लेंगे तो बहुत लंबा बैठ जाएगा, उसको हम इस तरीके से लपेटते हैं ताकि तार की लंबाई ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। तो उसका क्या होगा, विभव का जो मान है वो अच्छे से हम ज्ञात कर पाएंगे, क्योंकि विभव मापी देखिए एकांक लंबाई ये अपने आप में कांस्टेंट रहेगा, एक तार के एकांक लंबाई का विभव ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या है, तार की लंबाई को हम माप लेंगे, क्योंकि ये जो होता है जब यहाँ पर एक तार लगा होता है उस पर भी एक स्केल होता है, तो इस स्केल की सहायता से ए से जे थ्री की लंबाई या दूरी को माप लेंगे, यानी कि ये एल का मान हम तार की लंबाई से ज्ञात कर लेंगे और जे का मान, ये फाई का मान हमको पता चल जाएगा, तो हम इस सेल का विद्युत वाहक बल आसानी से ज्ञात कर लेंगे। इस तरीके से हम विभव मापी की सहायता से किसी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यदि कुछ भी समझ में नहीं आया तो कमेंट करना, बाकी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं नोट्स, या अगली एक वीडियो डालूंगा उसमें पूरे चैप्टर के नोट्स एक साथ डाल दूंगा मैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब।